राइट आवाज आ रही है, चल ओके मेरे को एक बार बता देना, अगर कोई यूट्यूब पे देख रहा है तो फाइन, नहीं देख रहा तो मैं यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ, वेट अ सेक, ठीक है ओके। चलिए ये वाला क्वेश्चन आई गेस ओके, हाँ सही है, तो ये वाला क्वेश्चन का एनसीईआरटी रेफरेंस देखते हैं हम यहाँ जल्दी जल्दी से, ठीक है। 2.2 मी ओके मिली ओके मीटर्स, 2.2 मीटर एनसीईआरटी का रेफरेंस था क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन में 2.2 मीटर एनसीईआरटी का रेफरेंस, ठीक है, एनसीईआरटी का रेफरेंस 2.2 मीटर एनसीईआरटी, राइट पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू ओके, बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड असिलोमेट एनिमल आर एग्जाम्पलीफाइड बाई, एनसीईआरटी का रेफरेंस था क्या इसमें? यस इसमें भी एनसीईआरटी का रेफरेंस था, फाइलम प्लैटीहेलमिंथेस में बायलैटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक असिलोमेट, सारे में दिखा दूंगा मैं, ठीक है ओके। चलिए ये चीज याद रहेगा, ओके याद रखना, देखो इसमें भी रेफरेंस है, एक्चुअली इसमें रेफरेंस है, चलो आ जाओ ओके। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थ्री, अब आप बोलोगे सर ये वाले में सारे का रेफरेंस था क्या? सारे का रेफरेंस था, आई गेस मैं आपको चेक करवा देता हूँ हाउ इट वॉज लाइक रेफरेंशियल, आ जाओ देखो, ग्रिगेरियस पेस्ट लोकस्टा, ग्रिगेरियस पेस्ट लोकस्टा ये याद रहेगा भाई ओके। चलो ये वाला चेक करते हैं, ग्रिगेरियस पेस्ट लोकस्टा, तो अगर मैं यहाँ पे आप लोग चेक करोगे तो ग्रिगेरियस पेस्ट इजीली निकल जाएगा यहाँ पे लोकस्टा वाला, कि ए का फोर एक ही जगह ऑप्शन दिया था, लेकिन मैं सारे दिखा देता हूँ, ठीक है मैं सारे रेफरेंस दिखाता हूँ, फाइलम एकाइनो डर्माटा ओके, ये एडल्ट विथ रेडियल और ये क्या लिखा गया था, लार्वा विथ बाइलैटरल, एनसीईआरटी में लिखा गया था, ठीक है एकदम एग्जैक्ट लाइन था, द एडल्ट आर रेडियली सिमेट्रिकल, लार्वा बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है ये भी रेफरेंस दिखा दिया तुमको, तुमको सारे रेफरेंस 90 क्वेश्चन के मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है आवाज आ रही है ना, बुक लंग्स, बुक लंग्स भी दिया हुआ था, कहाँ दिया हुआ था बुक लंग्स, देखेगा ध्यान से देख, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर आर्थ्रोपोड में तो स्कॉर्पियन एग्जाम्पल आ रहे हैं यहाँ, तो बुक लंग्स मिल गया, ये भी एनिमल किंगडम से ही क्वेश्चन था एक्चुअली। बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस कहाँ का एग्जाम्पल है पता है, बायोल्यूमिनेसेंस एक्चुअली यहाँ पे दिया हुआ है तुमको, कहाँ गया टीनो ओके, तो टीनो फोरा बायोल्यूमिनेसेंस और एग्जाम्पल टीनो प्लाना, ठीक है मेरे से बात करनी है तुम कर सकते हो, मेरा नंबर देखा होगा तुमने, ठीक है टैब यहाँ पे अभी ओपन नहीं कर पाऊंगा, टैब मेरे को मैसेज करना मैं देख लेगा, ठीक है डोंट वरी, ठीक है चलो आज अभी करते हैं हम यहाँ पे, भैया इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको प्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, इसका रेफरेंस था क्या एनसीईआरटी में, इसका रेफरेंस था क्या ओके चलो देख लेते हैं इसका रेफरेंस था या नहीं था, हाँ भाई इसका रेफरेंस था या नहीं, इसका भी रेफरेंस है एनसीईआरटी में, एक्चुअली गॉल्गी अपैरेटस इज एन इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड ओके, आई गेस आवाज आ रही है राइट, इसका भी रेफरेंस तुमको 90 में गिन लेना कि कितने का रेफरेंस निकलता है, ठीक है मैं इधर उधर की फेंकी हुई बातें नहीं करता, जो है वो ओके। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का रेफरेंस था, यस इसका भी रेफरेंस था, तो गिनते जाना सबका रेफरेंस दिखाऊंगा, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ऑब्वियसली डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है नाउ अब ये इतना बड़ा मैचिंग सौरभ भी आप रेफरेंस दिखाओगे क्या, आप रेफरेंस दिखाओगे क्या इतना बड़ा मैचिंग का, हाँ इतने बड़े मैचिंग का भी मैं रेफरेंस दिखाने वाला हूँ, तो चल तैयार हो जाओ। फ्लोटिंग रिप, फ्लोटिंग रिप के बारे में क्या लिखा गया था, द लास्ट ओके यहाँ लिखा है लास्ट टू पेयर आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, वेंट्रली किससे अटैच होते थे भैया, तुमको स्टर्नम से अटैच होते थे, तो दे आर नॉट कनेक्टेड, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आ गया था ओके, डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम ए का फोर, लेकिन अब आप बोलोगे सर एक क्यों दिखा रहे हो, सारा दिखाओ सारा दिखाओ सारा दिखा देते हैं आपको राइट देखो ध्यान से, एक्रोमियन लिखा हुआ है ना, द क्लैविकल आर्टिकुलेट विद दिस, ठीक है दिस मतलब कौन, एक्रोमियन के साथ आर्टिकुलेट होता है, तो एक्रोमियन इज अ पार्ट ऑफ स्कैपुला बट इट आर्टिकुलेट्स विद किसके साथ भैया, क्लैविकल के साथ राइट। अब आप बोलोगे सर स्कैपुला का क्या करना चाहिए था, स्कैपुला का लोकेशन कैसे टी ओके, सेकेंड टू सेवेंथ रे भाव देख लेते हैं, देखो मैं सारा रेफरेंस का बात कर रहा हूँ, इधर उधर मजाक नहीं चल रही है राइट ओके, यहाँ पे लिखा हुआ होगा सेवन टू सेवन दिया है क्या, एक सेकेंड चेक करते हैं, नहीं इसके बाद वाले में था ना, स्कैपुला इज ए लार्ज ट्रैंगुलर फ्लैट बोन डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरेक्स बिटवीन सेकेंड एंड सेवेंथ रिब, ठीक है ओके आ जाओ एक और करते हैं यहाँ पे ओके, वो तो हो गया ना, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन सारा एनसीईआरटी का लाइन था, ऑल ओवर एनसीईआरटी का लाइन, तो जो बच्चे बायो में 340 330 भी नहीं ला रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है सर आपने सही से, या हो सकता है एग्जाम में आप गलत कर दिए हो, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाई टी एच मॉर्गन, ठीक है एक और उठाते हैं, नाउ आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पूरा एनसीईआरटी मैंने देखा बहुत लोग इसको गलती करवाए हैं बहुत सारे लाइव सेशन ये सब में, ठीक है लेकिन ये गलती क्यों हुआ, इनकरेक्ट बोला था ना देखो इसमें जो वो जो लिखा हुआ है ना आगे रेजिन टैनिन,
कि इन द ओल्डर पार्ट, ये मेरा एग्जाम, ये एक्सप्लेनेशन था एनाटॉमी। अगर किसी ने 5 मिनट में देखी होगी तो, 5 नहीं 11 मिनट में एनाटॉमी देखी होगी ना, उसमें ये क्वेश्चन भी फंसा हुआ है मेरा एनाटॉमी का, 11 मिनट में जो मैंने वीडियो बनाई थी, 11 या 13 मिनट का था, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने देखा है तो, उस वाले क्या लाइन था, एनाटॉमी और इवोल्यूशन, इवोल्यूशन तीन के तीन क्वेश्चन थे आई गेस, तीन क्वेश्चन पूरा उस 13 मिनट के वीडियो, 11 मिनट के वीडियो से था, उस 11 मिनट के वीडियो से पूरा एनाटॉमी कवर्ड था। ओके, मैं पहले बता दे रहा हूँ जिन बच्चों को आइडिया ही नहीं है कि यार सही में ऐसा था क्या। ओके चलो आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। ओके चलो आ जाओ देख लेते हैं यहाँ पे एनटीए। चलो तो ये भी भैया देखो जो सैपवुड लिखा है गलत है। ओके ये गलत था क्या ना, ओके गलत ही तो था। यस क्यों भैया, इट इज नॉट द इनर मोस्ट एंड इट इज ओके। चलो आप देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया सैपवुड के बारे में। सैपवुड देख पा रहे हो, द पेरिफेरल, इट इज द पेरिफेरल राइट, पेरिफेरल ना। ओके चलो एक और करते हैं यहाँ पे, अब ये वाला। अब आप बोलोगे सर इतना बड़ेगा रेफरेंस दोगे क्या, यस पूरा एनसीईआरटी है। पिट्यूटरी देख, पिट्यूटरी में क्या लिखा है, मेलिटस ना, मेलिटस होता तो पिट्यूटरी के नहीं, मेलिटस कहाँ से होगा, मैं कुछ भी बोलूंगा मानोगे, नहीं मानना है राइट, हमेशा याद रखना क्रॉस चेक करना रहता है। तो मेलिटस किसका होता है, मेलिटस मीठा, मीठा मतलब ग्लूकोज, मतलब पेनक्रियाज राइट। अब देखते हैं यहाँ पे आ जाओ, एडीएच और डायबिटीज इंसिपिडस, ये एक्चुअली पिट्यूटरी का ही तो पार्ट है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हुआ, लेकिन हुआ तो पिट्यूटरी का ही पार्ट राइट, हुआ तो पिट्यूटरी का ही पार्ट, समझो बात को, हुआ तो पिट्यूटरी का ही पार्ट राइट। ओके तो इसमें आंसर क्या निकलता तुम्हारा, पिट्यूटरी से किसको जोड़ते, इंसिपिडस को जोड़ते, देखो लिखा हुआ है पिट्यूटरी का ही पूरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो यहाँ से तुमने जोड़ते एक आ थ्री राइट। थायरॉइड इज टू ग्रेव डिजीज, एनसीईआरटी में मेंशनड है, यस मेंशनड है, थायरॉइड वाले पार्ट में ग्रेव्स डिजीज भी मेंशनड है, ठीक है ग्रेव्स डिजीज भी मेंशनड है, तो इसमें आप क्या करते, थायरॉइड वाले में ग्रेव्स भी मेंशन था और बी का वन आ जाता, बी का वन कहीं कॉमन मिल रहा है क्या, और नहीं तो आंसर नंबर टू इजीली निकलता। और सेम कहानी तुम्हारा ग्रेव्स के बाद एड्रिनल में एडिसन भी मेंशनड है, एडिसन भी मेंशनड है। आप लोगों में बहुत लोगों का कंट्रोवर्सी क्लियर किलर जो मैं ट्राई करूंगा खत्म करने का, डायबिटीज मेलिटस पेनक्रियाज में दिया हुआ है पेज नंबर 338। अब भाई पढ़ोगे नहीं तो मार्क्स कैसे आएंगे राइट, ठीक है सीरियस होना चाहिए था थोड़ा सा। चलो अब बीटी, थर्मस एक्वाटिकस, एग्रो बैक्टीरियम और सैलमोनेला। अभी फोन ना करें कृपया कर, हमको अभी फोन ना करें, अभी हम क्लास में हैं यार, ठीक है अभी फोन ना करें राइट। ओके चलिए अब हम यहाँ पे उठाते हैं, ये आंसर नंबर वन कैसे हो गया, वेरी इजी यार, बीटी टॉक्सिन क्राई, क्राई प्रोटीन, ओके क्राई प्रोटीन आ गया क्राई, ओके ये तो सबको पता था बीटी का। अब यहाँ पे आता थर्मस एक्वाटिकस से जो बनता है वो डीएनए पॉलीमरेज ही था राइट। ओके चलो आ जाओ, ये चीज याद रहेगा, डीएनए पॉलीमरेज ही था। तो सर जी ये गलती कैसे हो गया आपका, ये तो गलती नहीं होना चाहिए था। हाँ देखो अब क्या होता है, बच्चे डेटा भूल जाते हैं, डेटा भूलेंगे तो काम तो नहीं चलेगा सर मैडम, फिर तो नहीं चलेगा। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था 88, मैं बोलूँ अगर, मैं अगर आपको बताऊँ 350 मार्क्स तो एनसीईआरटी पढ़ के जाते तो आ जाता, लेकिन क्यों नहीं आता, व्हाट इज द रीजन, एनालाइज करेंगे, थोड़ा टाइम दो मुझे। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, अब आप बोलेंगे क्लोनिंग वेक्टर है, यस दिस इज अ क्लोनिंग वेक्टर राइट। ओके क्लोनिंग वेक्टर आगे एक और आ जाएगा स्क्रीनशॉट, वो भी दिखा दूंगा ठीक है डोंट वरी। सैल्मोनेला टाइफीमूरियम एनसीईआरटी 1972, अगर किसी को याद है तो 1972 आरडीएनए के लिए लिखा हुआ है, फर्स्ट आरडीएनए इमर्ज्ड इन द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विथ नेटिव प्लाज्मिड। भाई साहब पढ़ाई नहीं हुई है, पढ़ाई नहीं हुई है। देखो दो चीज से आप लोग डिमोटिवेट होते हो राइट, कि भैया पढ़ने के बाद मार्क्स नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं गलती हुई होगी, जल्दी कर दिया होगा, ये वाला कॉन्ट्रोवर्सियल क्वेश्चन जिसमें आधे बच्चे सो के आए हैं, आधे बच्चे सो के आए एग्जाम में राइट, आधे बच्चे मतलब आधे से ज्यादा, अगर मैं बोलूँ अगर एग्जाम में 70% बच्चे ये गलत किए हैं, 70% बच्चे, इसका आंसर क्या हो जाता, हेलिकेज नहीं होगा ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन बोला था आपने, गोला क्यों नहीं किया था, आपने गोला क्यों नहीं किया था, ट्रांसक्रिप्शन एनसीईआरटी में है क्या सौरभ भैया, इज इट मेंशनड इन एनसीईआरटी बायोलॉजी, यू आर सेइंग इज इट मेंशनड इन एनसीईआरटी बायोलॉजी, यस दिस इज मेंशनड ठीक है। टाइप ऑफ आरएनए पे आते हैं, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रोमोटर एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। ओके और क्या लिखा गया है इसमें, सबस्ट्रेट लिखा है, इट सम हाउ ऑल्सो फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ द हीलिक्स एंड कंटिन्यूज द एलोंगेशन। कहानी खत्म, यही हो गया, लो इंजॉय करिए, इंजॉय करिए, जिसको जिस बच्चे को नहीं पता रहता है ना भाई, देख जब भी मैं आंसर बताता हूँ तो भाई वो श्योर शॉट वाला बात करता हूँ, इधर उधर वाली बातें नहीं ना गलत ठीक है। देख लो यार लिखा हुआ है फैसिलिटेट, और यही लाइन है क्या, यही लाइन लिखा है क्या, फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ डीएनए हीलिक्स, देख लाइन पकड़,
मेनी ऑफ यू विल से हट, मैं तो एनसीईआरटी पढ़ता ही नहीं हूँ, या फिर तुम्हारे टीचर अलग तरीके से पढ़ाते होंगे, आई डोंट वॉन्ट टू नो दैट. लेकिन यहाँ पे वही लाइन लिखा है, फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ द हिलिक्स. एग्जैक्ट लाइन, एग्जैक्ट लाइन, लो देखो देखो आराम से देखो, एग्जैक्ट लाइन, राइट, एग्जैक्ट लाइन, इधर उधर की तो बातें नहीं है, एग्जैक्ट लाइन वही है. ठीक है, उसके बाद भी अगर आप बोलोगे कि आप बहुत अच्छी जगह पढ़ रहे हो यार, अच्छे से पढ़ रहे हो, सॉरी सर एंड मैडम गलत पढ़ रहे हो आप, पढ़ाई लिखाई चेंज करिए वापस से. ठीक है, देखो लिखा हुआ लाइन है, फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ द हिलिक्स, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आया था, फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ द हिलिक्स, लाइन पूरा सेम है, पूरा लाइन सेम है, राइट, पूरा लाइन सेम था. अभी आप में से बहुत बच्चे सीरियस नहीं होंगे या रो रहे होंगे कि मार्क्स नहीं आए, भाई वो टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम. एक मंथ तुम अगर ये गम में बिता दोगे तो तुमको आने वाला नीट 21 क्या करोगे फिर, अगर जिसका प्रॉब्लम हुआ है. ठीक है, ओके चलिए आइए. कट ऑफ वाली मेरे को एनालाइज करने में टाइम लगता है, वो फेक वीडियो का उठा के कि हाँ भाई ये था पिछले साल, ऐसा ही होगा, ऐसे नहीं होता है कट ऑफ. ठीक है, जहाँ देख के आ रहे हो वहाँ क्या बताऊँ अभी. ठीक है, इनुलिन और इंसुलिन कैसे सही होता है सौरभ भैया? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड, मेरे को एक्सप्लेन करिए प्लीज. अभी एक्सप्लेन करते हैं. इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, मतलब मोनोसेक्राइड, राइट, मोनोसेक्राइड, ओके, पॉलीमर बना है. अब आता है सर जी यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता कैसे है? इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हो गया कहानी खत्म. इनुलिन होता पहले वाले का, पहले वाले में इनुलिन आता, राइट, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड कैसे है? ये तो सबको याद है लेकिन फिर भी सौरभ भाई एक्सप्लेन करते हैं. इन्हें पॉलीपेप्टाइड अमाइनो एसिड आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड. इंसुलिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन, तो आ गया ना पेप्टाइड, राइट, पेप्टाइड्स. तो यहाँ पे तो इजी क्वेश्चन था बट मैं सारे का रेफरेंस लाया हूँ, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका सौरभ भाई रेफरेंस नहीं लाए हैं. ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, ये आपके ऊपर है. इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लिव फॉर फ्यू डेज. एनसीईआरटी बायोलॉजी कहीं नहीं है, होल्ड ए स्मॉल को गेम खेला और कुछ नहीं था. ठीक है, एनसीईआरटी आइए. ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है एनसीईआरटी में, लिखा हुआ है लाइन, ओके, द होल्ड द हेड होल्ड्स ए बिट ऑफ द नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल साइड. वेंट्रल, वेंट्रल होता है नर्व कॉर्ड, याद आ रहा होगा, वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी. सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज कट इट विल स्टिल लिव फॉर 1 वीक. एनसीईआरटी बायोलॉजी. ठीक है, तो जो जो बच्चे कॉकरोच भी एनसीईआरटी बायो के बाहर से पढ़ के गए हैं, कॉकरोच का पूरा फैमिली पढ़ लिए थे, उनका ये क्वेश्चन गलत हुआ, तो समझिए वेयर यू आर रॉन्ग. ठीक है, आ जाओ, कोई बात नहीं. सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट, बहुत सारे बच्चों का ये गलत गया, मैं मानता हूँ बहुत लोगों का गलत, मतलब 300 ऊपर आने वाले लोगों का भी ये वाला गलत गया है. ठीक है, धन्यवाद अर्षित भाई. चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे, आ जाओ. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, सबको ये पता था, लेकिन हाउ यू हिट, राइट, ओके, आपने कैसे मारा? पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी बढ़ जाएगा, इंस्पायर कर रहे हो, अगर इंट्रा पल्मोनरी बढ़ गया तो अंदर से बाहर हवा चल जाएगा, लेकिन आपको हवा को बाहर से अंदर लेके आना है, एयर या फिर फ्लूइड, फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो अंदर की तरफ मेरे को प्रेशर कम करना पड़ेगा. एनसीईआरटी का रेफरेंस, आप मेरे से पूछ सकते हो एनसीईआरटी में है क्या ये, इज इट इन एनसीईआरटी बायोलॉजी, यस. एन इंक्रीज इन इंट्रापल, ओके, इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, ओके, टू लेस देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर विच फोर्सेज द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इन टू द लंग. ओके, इंस्पिरेशन में, राइट, इंस्पिरेशन में, एग्जैक्टली एनसीईआरटी बायोलॉजी. सर 21 का पेपर भी वैसा ही आएगा, इट डिपेंड ऑन यू, आप कहाँ से एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, फ्रॉम वेयर, ठीक है, कि किस किस जगह से. समझो एक बात को, एनसीईआरटी पढ़ना या रीड करना और समझना दो अलग अलग चीज़ है. एनसीईआरटी समझना और रीड करना दो अलग चीज़ है, राइट, ये चीज़ याद रखना, मेरा कराया हुआ है, मैं जानता हूँ ये सब चीज़, कोई नहीं. अब हिसार डेल, सबको पता है क्रॉस ब्रीडिंग एनसीईआरटी में भी था, ओके, एनसीईआरटी में था क्रॉस ब्रीडिंग एग्जाम्पल हिसार डेल, मैं बात नहीं करने वाला और ज़्यादा इस पर. क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या लिखा गया, इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल. सबको पता है कोलाजन, तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन रेफरेंस देख लीजिए, कोलाजन मोस्ट अबंडेंट इन द एनिमल वर्ल्ड, मिल गया लाइन, सारा लाइन दिया हुआ है एनसीईआरटी में. ठीक है, हाँ, ओके, चलो सारा लाइन एनसीईआरटी, ओके. हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग, आप ये लास्ट वाला लाइन देख के डर गए थे बिकॉज आपके टीचर्स आपको खाली बोलते हैं 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी, आपको रटने बोला जाता है, क्यों रटते हो यार, एनसीईआरटी का लाइन को कभी फोकस किया नहीं किया. मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैरायटी एज पेयर विच वर सिमिलर एक्सेप्ट, ओके, एक्सेप्ट फॉर द वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट. एग्जैक्टली वही लाइन था, एक्सेप्ट फ्रॉ, ओके, एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, एकदम ठीक है.
ये चीज याद रखिएगा, आप लोग में से बहुत बच्चे स्किप करते हैं यार, क्यों करते हो मेरे को समझ नहीं आता, राइट? ओके चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज विद इन द फनिकल एट डैश, कहाँ पे फ्यूज होता है यार वो भी देख लेते हैं। ओके फनिकल इन द रीजन हाइलम, मिल गया एनसीआरटी, एनसीआरटी बायोलॉजी, ठीक है, हाइलम में फ्यूज। ओके अब ये आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड, एनसीआरटी का लाइन, वायरॉइड में क्या लिखा गया था, वायरॉइड आइए देखते हैं यहाँ पे वायरॉइड्स। ओके क्या लिखा गया था, इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, इट लैक द प्रोटीन कोट, ठीक है, फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, हो गया एनसीआरटी। मैं खाली मेरे मुंह से आज 200 बार एनसीआरटी निकलेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल इन वन, ओके ये वाला थोड़ा कंसेप्चुअल था, ठीक है, हल्का सा हल्का सा, ठीक है। ओके ईयर वाली वीडियो दूसरे, ओके ओके देखिए उसमें वायरॉइड का है, सही है। चलो अब ये वाले में क्या कंसेप्चुअल था, आपको एक टर्न देखना था, और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो यहाँ पे लिखा हुआ था एक ही जगह सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन एनसीआरटी, जहाँ पे जीटीपी बनता है, जहाँ पे, ठीक है। ओके चलो ओके, मेरे को जिसको जिसको और बातें करनी है कर सकते हो मेरे से, मैं नंबर दे दूंगा, ठीक है। ओके ये चीज याद रखिएगा, एक ही जगह, व्हाट इज सबस्ट्रेट लेवल यार, व्हाट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, मतलब देखो तुम्हारा जो प्रोडक्ट एटीपी, एडीपी से डायरेक्टली एटीपी बन रहा है, अब आप बोलोगे यहाँ तो जीटीपी बनता है, अरे वो कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में, लिखा हुआ एक ही बार लिखा हुआ था। ओके अगर मैं अपने आप को जरा सा शिफ्ट करूँ, राइट, मैं अपने आप को शिफ्ट करूँ तो यहाँ एक ही एटीपी बन रहा है एक साइकिल में, मतलब वन जीटीपी ओनली, तो एक ही जगह हुआ था ना, एक ही हुआ था। तो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने गलती किया ये चीज, बहुत लोगों ने गलती की यार, प्लीज ये वाला क्वेश्चन कैसे गलत हो गया। आप लोग ये जो ये सब जो बन रहा है ना, ये सब क्या करेगा, ये तो फ्यूचर में एटीपी देगा, वो भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से, राइट। कोई नहीं, द प्रोडक्ट ऑफ द, ये भी एनसीईआरटी बायोलॉजी है, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय नाइट्रोजनेस, ओके नाइट्रोजनेस ही लिखा है ना, हाँ, इन द रूट नोड्यूल। चलो आओ प्रोडक्ट देख लेते हैं, नाइट्रोजनेस वाला रिएक्शन, ओके हाइड्रोजन प्लस क्या बन रहा है, अमोनिया। ओके चलो आओ ये वाला देखते हैं, हाईएस्ट अभी तक के फुल मार्क्स में आ रहे, सही है। चलो तो यहाँ पे आंसर बना अमोनिया और हाइड्रोजन, सारा एनसीआरटी, अगर मैं आपको सारे लाइन दिखा दूँ तो 21 वाले बहुत बोर हो रहे होंगे, नीट 21 वाले, उनको एक बात बोलना चाहूंगा भाई, रिग्रेट बाद में करोगे तुम। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मेरे से बाद में जुड़े, वो अभी रिग्रेट कर रहे हैं कि उनका मार्क्स थोड़ा और बढ़ सकता था, मैं पहले बात बता रहा हूँ यार, ठीक है। और बाकी पूरा एनसीआरटी दिखा दूंगा तुमको ऐसे चलते चलते, टाइफॉइड, निमोनिया, फाइलेरिया, मलेरिया, एनसीआरटी देखनी है ना, राइट। सैल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड हो गया, निमोनिया तुमको सबको पता है, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, आप बोलोगे सर ये तो आता है, कुछ लेवल वाले क्वेश्चन दिखाओ। मलेरिया बाई प्लाज्मोडियम लिखा हुआ है, प्लाज्मोडियम, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, राइट, फाइलेरियासिस, सारे लाइन मिल गए, ठीक है। ओके जो लोग मॉड्यूल पढ़ पढ़ के सोचे होंगे, भाई देख सुन, मॉड्यूल नहीं नॉलेज चाहिए आपको, यू वॉन्ट दैट नॉलेज, राइट, यू वॉन्ट नॉलेज, एनसीआरटी रट के भी नहीं ला पाओगे, सोचोगे रट लें, नहीं भाई, यू नीड सम कंसेप्ट, राइट, क्योंकि एग्जैक्टली लाइन टू लाइन एनसीआरटी याद नहीं रहेगी, ठीक है। मिलर का एक्सपेरिमेंट एनसीआरटी में है क्या, मिलर का एक्सपेरिमेंट 800 डिग्री सेल्सियस, यस 1953, मिलर 800 डिग्री सेल्सियस, एग्जैक्टली लाइन, एग्जैक्ट लाइन, राइट, एग्जैक्ट लाइन। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एनसीआरटी में था क्या सौरभ भैया एग्जैक्ट लाइन, यस सौरभ भैया बोलते एग्जैक्ट लाइन था, कैसे था, एडिनिन फॉर्म्स टू हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थायमिन, ओके फ्रॉम द अपोजिट स्ट्रैंड, अरे एडिनिन फॉर्म्स टू हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यहाँ पे टू ही होता ना, ओके ये चीज भैया, ये सब गलती करोगे तो नहीं चलेगा, राइट, ये सब गलती करोगे तो कैसे चलेगा। चलो कोई बात नहीं, एक और करते हैं यहाँ पे, जाइगोटीन, सौरभ भैया पूरा एनसीआरटी लाइन उठा के दिया था ये चीज, पूरा एनसीआरटी का जो पैराग्राफ है ना उसी से बाहर, कहीं बाहर एनसीआरटी के पेपर बाहर नहीं था। ओके चलो अभी मैं दिखा देता हूँ, आइए सबको यहाँ दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, राइट, हल्का सा जूम कर लेते हैं जो। ओके क्वेश्चन टैब, यार अभी क्वेश्चन टैब खुल नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं, जिसका है वो मेरे को भेज देना, सेशन के लास्ट में मैं चेक करूंगा आपका क्वेश्चन टैब, डोंट वरी, सेशन के लास्ट में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जिसका भैया 21 के लिए पढ़ना है 6 बजे आना, पता चल जाएगा, ठीक है। जाइगोटीन, जाइगोटीन साइनेप्सिस मिलना चाहिए था, ओके और क्या हो गया, यहाँ पे आ जाइए, पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर लिखा हुआ है भैया, सीओपी तुमको याद कराया था, ठीक है, सीओपी तुमको याद कराया था, डिप्लोटिन काइजमाटा, राइट, यही था ना, ओके काइजमाटा, और कुछ था क्या डिप्लोटिन में, और यार तुमको डायकाइनेसिस है, देख लो यार टर्मिनलाइजेशन। अब आते हैं चलो एनसीआरटी में सारा कुछ दिया था, टर्मिनलाइजेशन भी टर्म दिया है, काइजमाटा भी टर्म दिया है, तो गलती कहाँ हो गई, ठीक है। ओके अरे सारा चीज एनसीआरटी है, कहीं बाहर की नहीं है, ठीक है, सब एनसीआरटी है, मैं देखो सारा दिखाऊंगा। लाइगेज जॉइंस द टू डीएनए मॉलिक्यूल लिखा हुआ लाइन है,
ओके डीएनए लाइगेज ज्वाइन करता है यार, कैन बी ज्वाइन, ठीक है। तो भैया तुम डीएनए ये वाला रेफरेंस नहीं लेके दूसरा भी ले सकते थे, लेकिन ये भी चलता है, लाइगेज ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, कहीं बाहर नहीं है। सेलेक्ट द एसटीडी, ये भी एनसीआरटी में है क्या? अरे भाई साहब पढ़ा हुआ है ये तो, ठीक है। एनसीआरटी, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीस, ये तीन दिया था राइट, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीस, एनसीआरटी बायोलॉजी। ओके आगे बढ़ते हैं। एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट वॉज डिसप्रूव्ड बाई, ये एनसीआरटी में था क्या? नहीं था यार, झूठ बोल रहे हो सौरभ भी, आप झूठ बोलते हो, एनसीआरटी में थोड़ी था। कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर, हाउएवर दिस प्रपोजल वाज डिसप्रूव्ड बाय, कौन सा? एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट डिसप्रूव्ड बाय कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। ओके मेरा पॉइंटर में भी था, 11 मिनट की अगर वीडियो देख लेता ना तो आज शायद जीवन सवर जाता, तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन अगर गलती हुए हैं इवोल्यूशन के, तीन क्वेश्चन या दो क्वेश्चन नहीं होता, वो 11 मिनट आपको शायद से शायद अगर गलती हुआ है क्वेश्चन तो बचा देता, 15 15 मार्क्स आराम से बचा देता, 15 मार्क्स, 11 मिनट और 15 मार्क्स। लेकिन नहीं भाई, मैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन देख के जाऊंगा, मैं 1000 क्वेश्चन देख लूंगा, 11 मिनट की वीडियो नहीं देखी जाएगी। कोई नहीं यार, इट्स अप टू यू राइट। द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर, ये एनसीआरटी है सेकेंड पेज मॉर्फोलॉजी, ठीक है। द रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइबरस रूट सिस्टम, तो फाइबरस रूट होता है आंसर। ये भी गलती हो गई थी राइट, ओके ये भी गलती हो गई राइट। भाई मैं पहले बोल रहा हूँ, पढ़ाई का तरीका बदलिए, पढ़ाई का तरीका बदलिए रैदर देन चेंजिंग द स्ट्रीम, ठीक है। हाँ लाइन भी चेंज नहीं करें यार, वो इतने कंजूस है, मैं आपको सारा बता रहा हूँ यार, ठीक है। ओके चलो, लाइन भी चेंज नहीं करते वो इतने कंजूस है, लेकिन आप एनसीईआरटी समझते नहीं हो, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लिखा हुआ है, ये सबको पता ही, थीडियम ब्रोमाइड यूवी रेज, मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ, एनसीईआरटी बायोलॉजी से बाहर कहीं पेपर नहीं है, इथिडियम ब्रोमाइड यूवी रेज। एक और सवाल आई है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये एनसीईआरटी के थोड़ा बाहर, एग्जैक्टली लाइन एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया है, एग्जैक्ट लाइन एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया है, लेकिन यू कैन हिट द क्वेश्चन विद द ग्राफ, यू कैन हिट द क्वेश्चन विद द ग्राफ। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन ओव्यूलेशन के समय, ओव्यूलेशन के समय प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल हाई है क्या? नॉट एट ऑल। कौन बंदा आंख बंद करके भी है ना वो गलत मार रहा है, तो यार प्रॉब्लम है आपके पास, ठीक है। अगर एफएसएच का हाई देता तो आप सोचते, अगर आपका एफएसएच का हाई देता तो, कि आप बोलते सौरभ भैया हाई तो एफएसएच का भी आ रहा है, बट वो बंदे आपके लिए इतना इजी कर दिया पेपर, यहाँ लो दिया। अब बचा क्या? हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। अब बारी आती है सर, कंसेप्ट क्या होना चाहिए? सौरभ भैया वाई हाई कंसेप्ट ऑफ ईस्ट्रोजन? सौरभ भैया इज नॉट ओनली इन एनसीआरटी, आई कैन गो बियॉन्ड एनसीआरटी, जितना आपके कोई लोग नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। ईस्ट्रोजन क्या करता है? 12वां दिन में पीक पकड़ता है, अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं 12वां दिन में पॉजिटिव फीडबैक देता है ईस्ट्रोजन, जिसके कारण एलएच का सर्ज होता है, तो दैट इज वाई ओव्यूलेशन के लिए ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल आ सकता है। सौरभ भाई अपनी क्लास में बोल चुके हैं ऑलरेडी, ये ऑलरेडी बोला हुआ था मेरे क्लासेस में, अगर आप लोग क्लास किए हो तो, नहीं किए कोई बात नहीं, नो गिला शिकवास राइट। हाँ चलो, गॉबलेट सेल एनसीईआरटी के बाहर नहीं गया ये पेपर भी, एकदम नहीं गया। कॉलमनर एपिथीलियम लिखा हुआ है क्या सौरभ भैया? ओके, सम ऑफ द कॉलमनर और क्यूबॉइडल गेट स्पेशलाइज फॉर सिक्रीशन आर कॉल्ड एज ग्लैंडुलर एपिथीलियम, दे मेनली टू टाइप, यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल गॉबलेट सेल। अरे पिक्चर को गोली मारो, लाइन लिखा हुआ है यार, और यहाँ पे कॉलमनर या क्यूबॉइडल, एनसीईआरटी आपके लिए इतना ईजी कर दिया पेपर को, यहाँ पे क्यूबॉइडल शब्द ही नहीं दिया, क्योंकि वो जानता है क्यूबॉइडल देता तो आप चिल्लाते, आप दंगा करते कि सौरभ भैया या एनसीईआरटी क्यों नहीं दिया क्यूबॉइडल, इसीलिए वो क्यूबॉइडल दिया ही नहीं राइट, क्यूबॉइडल नहीं दिया, कॉलमनर दिया, वो मारना चाहिए था एनसीईआरटी। चलो कोई नहीं, स्नो ब्लाइंडनेस टर्म तो यही पकड़ो ना आप, अंटार्कटिक रीजन छोड़ दो, आपको नहीं समझ आया, स्नो ब्लाइंडनेस तो तुमको पता है यूवी बी रेस से ही होता है, स्नो ब्लाइंडनेस, यूवी बी रेडिएशन कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, यू इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ यूवी बी रेडिएशन। चलो कोई नहीं, ओके यहाँ पे आते हैं, यूवी बी रेडिएशन ये तो सही बात था, आ जाओ यहाँ। आयरन, आयरन के लिए एग्जैक्ट लाइन लिखा गया, रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस, आओ चेक करते हैं, रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल लिखा हुआ मिला आयरन। मैंगनीज के लिए देखते हैं, सबको पता है यार ये तुमको स्प्लिट करता है, वाटर स्प्लिट याद आ रहा होगा, स्प्लिटिंग। जिंक के लिए ऑक्सिन, ऑक्सिन ऑक्सिन का ही नाम IAA होता है, इंडोल एसिटिक एसिड, इतना तो पता होगा आप सभी को राइट। ये सब गलती गया है तो मुश्किल है, और ये जो भी ऑप्शन है एक एक ऑप्शन देख के हिट किया जाता था। बीटी कॉटन, इंसेक्ट पेस्ट, प्रीडेटर मत मार देना, इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, कैसे? इंसेक्टिसाइडल होते हैं, इंसेक्ट को मार रहे तो इंसेक्ट तो पेस्ट ही हुए ना। अब आप बोलोगे नहीं सर एग्जैक्ट बताइए है क्या, यस देखो पढ़ो यहाँ से पढ़ो, लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट, सारे इंसेक्ट को मार रहे हैं ठीक है। अब इतना अंग्रेजी नहीं आती तब मुश्किल है राइट,
इंसेक्ट पेस्ट होता ना। ओके रे फ्लोरेट एनसीईआरटी में है क्या? यस रे फ्लोरेट इन्फीरियर ओवेरी इज सेड टू बी इन्फीरियर एज इन ग्वाभा कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। ठीक है एनसीईआरटी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल मॉन्ट्रियल, सौरभ भैया मॉन्ट्रियल का वीडियो में बता चुके हैं, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस ODS, 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 तुमको ऑलरेडी बताया जा चुका था फिर भी तुमको दिखा दे रहा हूँ। मॉन्ट्रियल ODS, क्योंकि मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहा हूँ, इट इज प्योरली एनसीईआरटी पेपर, प्योर एनसीईआरटी पेपर। अब पता नहीं आपके कोचिंग आपको क्या पढ़ाया होगा, बट मैं आपको एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन वही है एनसीईआरटी है। विच इज रॉन्ग अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मैं बहुत सारे वीडियोस देखा यूट्यूब पे, बहुत लोग इसको गलत किए हैं, बट दिस इज सही यार, दिस इज सही। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस जिसमें 50,000, 70,000, 80,000 व्यूज है, लेकिन इसको गलती किए हैं, ये क्यों गलती है यार? ठीक है हाँ ओके। बहुत ने ए वाला आंसर बोला है, बहुत ने ए बोला, बहुत ने थ्री बोला, बहुत ने फोर बोला, तो जिसने फोर बोला वो गलत है। ठीक है फोर सही है, फोर सही है, कैसे सही है? आओ लाइन देखते हैं, लाइन लाइन लाइन। आप बोले कि बिना लाइन के सौरभ भैया बात ही नहीं करते हैं। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। ओके तो ये तो सही है, ये तो सही था, फंक्शन इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। जो बोले हैं तो समझिए बात को, एनसीईआरटी से बाहर मैं कदम नहीं रख रहा। आप यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आप कोई बच्चा वन बोल सकता है, वो वन क्यों बोलेगा, मैं उसको समझा रहा हूँ, वन क्यों बोल सकता है। यहाँ पे लाइन था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ओके ऑफ डीएनए ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, ये नहीं बोला लिटिल अवे फ्रॉम द पैलिंड्रोमिक साइट, नो नो नॉट एट ऑल, यहाँ पे जस्ट बोला सेंटर से दूर। ठीक है सेंटर से दूर, बट है तो पैलिंड्रोमिक, मतलब एक साइट है पैलिंड्रोमिक, उसका सेंटर से दूर, राइट उसका सेंटर से दूर, यहाँ से काट कर रहा होगा, कट यहाँ से कर रहा है, एग्जैक्ट सेंटर से नहीं, क्योंकि उसको स्टिकी एंड बनाना है। वट इज द रीजन? कट तो वो पैलिंड्रोमिक पे लगा रहा है, लेकिन अगर सेंटर पे लगाता तो ब्लंट एंड आ जाता वो, राइट। ठीक है ये इसीलिए हल्का सा बोला गया कि भाई सेंटर से दूर, और कोई रीजन नहीं है यहाँ पे, ये ट्राई किया था इन्होंने लिखने का तो, लेकिन इसीलिए इसका थ्री हो गया बिकॉज यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन के बारे में पूछा गया था। एनटीए कैन चेंज द आंसर बट स्टिल फोर तो सही है, तो जहां पे आपको फोर बोला गया वो गलत है स्टेटमेंट, राइट। आओ कोई बात नहीं प्लाज्मोडियम। ओके चलो आ जाओ भैया, 425 एससी कैटेगरी बंगाल के हो तो मिल जाएगा। ठीक है ओके अब मार आए तो एक भाई, अब तो नीट हो गया तो क्या करें, पढ़ाई छोड़ दें क्या? पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना आगे, तो ये जो लेम एक्सक्यूज दिया जाता है ना कि अब तो मार है, अब क्या करें, अब क्या करें, तो भाई ये कुछ हो गया गलत, फिर तो कुछ मत कर, राइट। ठीक है भाई समझो बात को, सीखने आए हो ना, सीखने का पहले अपना पर्सपेक्टिव ब्रॉड करो कि भाई क्या बोल रहे हो, कहाँ बोल रहे हो, राइट। और क्या आप बोलोगे सर ये वाला लाइन है क्या एनसीईआरटी में? यस ये भी है, स्पोरोजॉइट इज द इन्फेक्शियस फॉर्म, ठीक है फॉर द ह्यूमन, राइट। देखो ध्यान से, ह्यूमन बॉडी में स्पोरोजॉइट घुसता है एंड दैट इज द इन्फेक्शियस फॉर्म, राइट। ये भी एनसीईआरटी का लाइन मिला दिया तेरे को, राइट। आ जा एक और देखते हैं यहाँ पे। नाउ ये वाला, मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी ऊसाइट, एग्जैक्टली सेकेंडरी ऊसाइट ही लिखा है, टर्म एग्जैक्टली सेकेंडरी ऊसाइट ही लिखा है। मिल जाएगा अर्षित भाई, आई गेस मिल जाएगा। ठीक है देख एनसीईआरटी में बात करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया था, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट इंड्यूसेस द चेंज इन द मेम्ब्रेन, जब वन स्पर्म एंटर घुसता है फर्टिलाइज करेगा, दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट। मिला लाइन 470 बिहार जनरल कैटेगरी नहीं मिलेगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 2019, अरे जहाँ का भी हो। अब ये क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन गलती किए हैं, ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। ऑक्सीजनेशन बोला है मतलब फोटो रेस्पिरेशन, राइट। ऑक्सीजनेशन बोला मतलब फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन। अब एक कैलकुलेशन करते हैं अपन, RUBP है इसके साथ तुम वो ऑक्सीजन जोड़ रहे हो, ऑक्सीजन जोड़ रहे हो, ये RUBP कितना कार्बन कंपाउंड था, पूरा NCERT में तेरे को दिखा रहा हूँ रुक। ओके कितना कार्बन कंपाउंड था, 5 कार्बन कंपाउंड था, 5 कार्बन के साथ अगर तू ऑक्सीजन जोड़ेगा तो 6 कार्बन बनेगा क्या? नहीं बनेगा, 6 कार्बन बनने का चांस नहीं है, राइट। 6 कार्बन तो नहीं बनेगा। अब बारी आती है सर 6 कार्बन तो बनेगा नहीं, तो आप क्या सिखाना चाहते हो? फॉस्फोग्लाइकोलेट वाज ए 2 कार्बन कंपाउंड, तो फॉस्फोग्लिसरेट कितना कार्बन कंपाउंड बनना चाहिए, फॉस्फोग्लिसरेट कितना कार्बन आना चाहिए? अरे भाई ग्लिसरेट है तो 3 कार्बन आएगा, 2 और 3 ही होना चाहिए, 5 निकलना चाहिए, एकदम 5 ही आना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन तुम डाल रहे हो, तुम कार्बन डाइऑक्साइड डाले नहीं हो, जो तुम 6 कार्बन अज्यूम करोगे कि इसको तुम 4 मान सकते हो, नहीं मानोगे, राइट। 3 कार्बन होता है आंसर, और आ गया 3 कार्बन। थोड़ा दिमाग लगाने का था, एनसीईआरटी का लाइन है, यहाँ पे तेरे को हिंट दे दिया गया, क्वेश्चन वाज ट्विस्टेड, राइट, क्वेश्चन वाज ट्विस्टेड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फाइलम कोर्डाटा, कॉर्डेट्स के लिए क्या चीज जो ट्रू है,
यहाँ पे ऑप्शन आई गेस आपको नहीं दिख रहा है, आओ ए बी सी डी में सिर्फ बी और सी ट्रू है, कैसे ट्रू है आओ वो भी देखते हैं। ठीक है, हेमीकॉर्डेट वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एज सब फाइलम अंडर कॉर्डेट बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेट। यहाँ क्या लिखा गया है, हेमीकॉर्डेट, तो चलो काट दो इस पॉइंट को। अब दूसरा लाइन देखते हैं। ओके कॉर्डेट में ओके सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल हॉलो सिंगल, तो डॉर्सल और हॉलो लिखा हुआ लाइन है, डॉर्सल और हॉलो तो सही हो गया ये स्टेटमेंट। आ जाओ दूसरा स्टेटमेंट। ओके क्या लिखा गया है, ये ऊपर वाला आप देख सकते हो लेकिन मेरे को मेन जो दिखाना वो दिखाता हूँ। ठीक है, इन यूरोकॉर्डेट्स द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल। ठीक है, ओनली इन द लार्वल टेल, यहाँ क्या लिखा गया है, एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल। गलत हो गया, गलत हो गया ना ये वाला, गलत हो गया राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट, एक और स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट दिखा दे रहा हूँ। द मेंबर ऑफ द सब फाइलम वर्टिब्रेट पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक पीरियड, लिखा गया है ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक पीरियड। एक देख, पीरियड पीरियड सब सेम है यार, तो एनसीईआरटी के बाहर पेपर नहीं जा रहा, तो जो बच्चे अभी सदमे में हैं उनको बोलो वापस कम बैक करने, रैदर देन क्राइंग। जब तुम एक काम बढ़िया नहीं कर रहे हो तो तुम क्या सोच रहे हो दूसरे में जाके कुछ बढ़िया, अरे हो सकता है इसमें कुछ बढ़िया निकाल लो यार, ट्राई नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, अलग बात है वो, देखो अब सबका माइंडसेट मैं चेंज नहीं कर सकता, इट्स अप टू यू। ओके चलो, अब क्लॉस्ट्रिडियम बुटाइलिकम क्या क्या था, सारा चीज ना। ओके सारा एनसीईआरटी, आओ चेक करते हैं। ओके सारा एनसीईआरटी कैसे है, क्लॉस्ट्रिडियम बुटाइलिकम ब्यूटायरिक एसिड मिला गया, ब्यूटायरिक एसिड ये तो बच्चा वाला था, पूरा लाइन है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेस स्ट्रेप्टोकॉकस, अगर नहीं दिया तो कोई नहीं, ट्राइकोडर्मा यहाँ पे लिखा हुआ है तो इम्यूनो सप्रेसेंट। ओके चलो आओ। ओके स्टैटिन बाई मोनस्कस परप्यूरियस मिल गया, और कुछ बाकी है क्या लाइन, ठीक है ओके और कुछ लाइन है क्या बाकी। ओके भैया यूनिसेलुलर एल्गा, क्वेश्चन इसमें फंसा होगा, आपको लाइन नहीं मिला होगा, लेकिन आपको एक चीज पता था, एनसीईआरटी में क्लोरेला को यूनिसेलुलर एल्गा बोला गया है। इफ यू डोंट रिमेम्बर लेट मी ब्रश अप योर, ओके ब्रश अप योर नॉलेज, यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन क्लोरेला राइट। लेकिन स्पिरुलिना का जिक्र नहीं हुआ, स्पिरुलिना को ब्लू ग्रीन एल्गी बोला गया था। ठीक है, लेकिन एल्गा में कंसीडर किया गया, तो एक ऑप्शन देख के तुम खेल सकते थे। ओके तुम एक ऑप्शन देख के खेल सकते थे, एक ऑप्शन, ओनली वन ऑप्शन राइट। दो मेरे हिसाब से क्वेश्चन, यहाँ एल्गा बोला गया है तो एल्गा देना चाहिए था, रैदर ये प्रोकैरियोट डाल दिया इन्होंने, इन्होंने प्रोकैरियोट भी डाल दिया है, तो ये गलती है इनकी। ठीक है, प्रोकैरियोट भी डाल दिया राइट। ओके देखो एक बात बताता हूँ, अभी आप लोग के अंदर बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है कि मेरा नीट नहीं निकला, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई छोड़ के अभी अपने आप के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हो। लैमिनेरिया सर्गेसम नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, कोई चांस नहीं महापात्र जी। ठीक है जी, चलिए ओके चलिए, क्योंकि आप रेड एल्गी पढ़ोगे या फिर तुम ब्राउन भी पढ़ते हो तो वहां पे सब एक्सप्लेनेशन किया रहता है। अब आता है ये ड्रॉइंग, ये वाला एनसीईआरटी में लाइन तो नहीं लिखा बट एक्सप्लेनेशन दिया है, कैसे दिया है। ओके देखो ध्यान से, प्लास्टोक्विनॉन पी एस टू टू साइटोक्रोम B6F, ट्रांसफर मार रहा है, ट्रांसफर मार रहा है राइट, ट्रांसफर मार रहा है प्लास्टोक्विनॉन। ओके PS2 टू प्लास्टोक्विनॉन याद रहे। ओके प्लास्टोक्विनॉन क्या कर रहा है, साइटोक्रोम B6F। एक बात बता दे रहा हूँ, फेलियर सबको खराब लगता है, फेलियर सबको खराब लगता है, तो फेलियर हो गया तो क्या करें, आगे नहीं बढ़े, वहीं बैठ जाएंगे, उसको पकड़ के, उसको पकड़ के वहीं बैठना है, तो यू कैन सिट राइट, यू कैन सिट। चलो, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन द यूरिन, एनसीईआरटी का लाइन था क्या, एग्जैक्ट एग्जैक्ट वर्ड था सौरभ भैया, आओ चलो चेक करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोनूरिया इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस, ये अगर गलत किए हो ना, तो जिस जगह पढ़ रहे थे ना उनको जाके बोला आप एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ाते हो मुझे। ठीक है, ये आपकी गलती है, टीचर बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, हाँ सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटिन स्ट्रिचनिन कैफीन लिखा हुआ है, ये इसके ऊपर का लाइन है, ये क्या बोलते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड के नीचे वाला लाइन है, कैलोट्रोपिस के नीचे। ठीक है, देखो ध्यान से, आ जाओ चलो चेक करते हैं। वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस, ओके निकोटिन कैफीन क्विनिन स्ट्रिचनिन ओपीएम आर प्रोड्यूस्ड बाय देम आर एक्चुअली डिफेंस डिफेंस अगेंस्ट द ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स, एनसीईआरटी का लाइन, एनसीईआरटी एग्जैक्टली एनसीईआरटी। हाँ इट वॉज नॉट टफ, आपका पढ़ने का तरीका अलग होगा, इट वॉज नॉट टफ एट ऑल राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस, दिस वॉज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, दिस वॉज कॉम्प्लिकेटेड बट वी कैन डू बाई एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। एक बात बताता हूँ, ANF वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है क्या, नॉट एट ऑल, तो पहले काट दो यार। ठीक है, नाउ रीअब्सॉर्प्शन क्या क्या लिखा है, मोर वाटर रीअब्सॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ ADH, नॉट एट ऑल। यहाँ पे आते हैं ADH,
ADH facilitate the water reabsorption from the later part of the, thereby preventing diuresis. मतलब ultimately अगर आप water को reabsorb करोगे तो diuresis से prevent हो जाएगा. Water reabsorb किस किस तरीके से हो सकता है? जब आपका aldosteron, तो सुनना ध्यान से, this was conceptual, mark कर लो. जब आपका aldosteron sodium को टान रहा है, Na plus को reabsorb कर रहा है, तो उस Na plus being osmotic agent, Na plus osmotic होता है, ये आप लोग पढ़े हो, ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हो, ओस्मोटिक होता है, ओस्मोटिक ड्रैग लगता है. Na प्लस पे क्या लगता है? Na प्लस के कारण वाटर का ड्रैग होता है, वाटर का ड्रैग होता है तो वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो वहां से डायूरेसिस प्रिवेंट हो गया. अब अगर आपको ये भी नॉलेज नहीं आ रही तो सर मुश्किल है फिर, राइट? कोई बात नहीं. सेलेक्ट सर, आप मेरे को एक बात बताओ, क्रोमोसोम नंबर 11 एनसीईआरटी में लिखा था क्या? एनसीईआरटी में क्रोमोसोम नंबर 11 कहीं मेंशन था क्या? एलिमिनेशन छोड़ो सर, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है, ठीक है. एनसीईआरटी में तुमको बीटा ग्लोबिन चेन में ही चेंजेस आ रहे हैं. किसमें चेंजेस आ रहे हैं? बीटा ग्लोबिन चेन लिखा हुआ है, बीटा चेन. बीटा चेन कौन से क्रोमोसोम पे होता है? बीटा चेन, आओ देखते हैं. ओके, बीटा थैलेसीमिया कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन, ठीक है. अब आप बोलोगे थैलेसीमिया क्यों घुसा रहे हो सौरभ भैया, ठीक है. ये देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा गया, बीटा थैलेसीमिया बीटा ग्लोबिन चेन के कारण होता है. बीटा ग्लोबिन चेन ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, क्रोमोसोम 11 मिला मिला. मेरे को पता है बहुत सारे मॉक में था, मैं आई एम नॉट रेफरिंग एनी मॉक ओवर हियर, राइट. आई एम रेफरिंग एनसीईआरटी बायोलॉजी, प्योर एनसीईआरटी बायोलॉजी, रैदर देन शोइंग कि इस इंस्टीट्यूट उस इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन कॉमन था, सौरभ भैया ने कॉमन कराया. आई डोंट वॉन्ट दैट, आई जस्ट वॉन्ट कि एनसीईआरटी में कितने क्वेश्चन थे, ठीक है. जस्ट वो दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग, ये एट्रीब्यूट का लाइन एनसीईआरटी में था या नहीं, आओ एक बार पोल करते हैं. अगर आपको पता चल रहा है था तो ट्रू करना, था तो ट्रू करना, और अगर नहीं था तो फॉल्स करना, ठीक है. ट्रू या फॉल्स बताओ, ऑनेस्टली बताओ, कितने लोगों को पता चल रहा है, ठीक है. हाँ ओके, चलो डन करते हैं भाई. करोड़ों की है, अरे करोड़ों छोड़ो, आप ये बताओ मेरे को, आप मेरे को ये बताओ, सच सच बताओ, जिसको आइडिया है तो वही बताना. ये अनअकैडमी पे क्लास हो रही है, तो मेरे अगर चैनल पे कोई देख रहा है ना, वो अनअकैडमी पे हो रही है, शाम 6 बजे. हम जिनको 21 सीरियसली देना है, जिनको जिनको अभी भी हलवा लग रहा है नीट की, भैया हम कर लेंगे लास्ट टाइम में, तो वो बैठे रहो, दे डोंट नीड टू अटेंड दो सेशन. लेकिन जिनको सीरियस हो, जो बच्चे, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ. ओके, अभी चेक करते हैं ये एनसीईआरटी में था या नहीं. एनसीईआरटी में था, आओ लाइन देखते हैं. एनसीईआरटी समरी खोलना, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का समरी खोलना. पॉपुलेशन हैव एट्रीब्यूट दैट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ओके डू नॉट, मतलब इंडिविजुअल के पास ये एट्रीब्यूट नहीं होता, बट पॉपुलेशन के पास होता है. बर्थ रेट, डेथ रेट, मतलब नेटेलिटी मॉर्टेलिटी, राइट. सेक्स रेशियो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, मिला मिला या नहीं मिला? यहाँ ऑप्शन में दिया बर्थ रेट, डेथ रेट, ठीक है, सेक्स रेशियो भी दे दिया. यहाँ के साथ आप एक और घुसा सकते थे, क्या बोला गया है यहाँ पे, एज डिस्ट्रीब्यूशन. अगर यहाँ पे एज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाता तो वो भी हिट कर सकते थे, बट स्पीसीज इंट्रैक्शन वॉज नॉट एन एट्रीब्यूट, राइट. समझो बात को, जो बच्चे नहीं समझ रहे उनके लिए ये चीज़, कि अगर वो बच्चे अभी भी बस वही है कि भैया आई एम स्टबर्न, कि मैं स्टबर्न हूँ, मैं जिद्दी हूँ, मैं नहीं समझूंगा, ठीक है, ये उनके लिए है. रैदर देन क्राइंग वन वीक, लेट्स फाइट इट आउट ना, रैदर देन क्राइंग. चलो कोई नहीं, यहाँ पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, तो मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर आप 21 के लिए तैयारी करना चाह रहे हो, सीधी बात देखो, मैं टाइम पास करने बैठा नहीं हूँ, 21 के लिए तैयारी करना चाह रहे हो, आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा, आप किसी भी कोचिंग में जाओ या कहीं जाओ, अनअकैडमी प्लस पे आ सकते हो. काम देखो, जो चीज़ आप 1-1.5 लाख करते हैं, यहाँ पे टीचर अवेलेबल रहते हैं. अगर आप देख रहे हो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिजिक्स के हम तो अलग लेवल चल रही होगी, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, रॉन्ग कौन सा है इसमें, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. इंक्लूजन बॉडी आर नॉट, चलो पकड़ते हैं, ठीक है. दे आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म. ओके, आ जाओ पहले लाइन. दे रिप्रेजेंट द रिजर्व मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म, एग्जैक्ट एनसीईआरटी का लाइन, रिजर्व मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म, वन लाइन, ठीक है. फ्री इन द साइटोप्लाज्म, दूसरा लाइन दिखाता हूँ. दे लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म, कौन से कॉलेज स्टेट से हो वो बताना, ठीक है. ओके चलो और देखते हैं यहाँ पे और क्या है. यहाँ पे दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेशन, ये लाइन नहीं मिल रहा आपको. दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, ओके. दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, एग्जैक्टली वही लाइन है. एक बात बताओ, ठीक है, हाँ ये चीज़ एक बात बता दो यार, एनसीईआरटी के बाहर था ये एनसीईआरटी का बाहर नहीं था, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है. ओके चलो, ये चीज़ समझिए बात को, ठीक है. ओके हाँ,
ये चीज समझिएगा बात को, ठीक है? तो ये तो गलत है ना यार, यहाँ पे गलत निकल गया। जब तीन सही मिल रहा है तुमको, तुमको तीन सही मिल रहा है, ठीक है? ओके, ये चीज समझिए बात को। एनसीईआरटी था, जो जो सही चीज है उसको हटाओ ना वहां से भाई, दिमाग लगाओ। अब आता है सौरभ भैया, इज इट इन एनसीईआरटी? इतना बड़ा बड़ा पॉइंट एनसीईआरटी में है क्या? ओके, ये चीज समझ, एनसीईआरटी में है क्या? चलो, एनसीईआरटी में है क्या? यस है, आओ चेक करते हैं। ये मोनोकोट स्टेम है, स्क्लेरेनकाइमेटस, हाइपोडर्मिस, लार्ज नंबर ऑफ स्केटर्ड वास्कुलर बंडल। पहला पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ स्केटर्ड वास्कुलर बंडल। ओके, और क्या लिखा गया यहाँ पे? ओके, चलो और देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या। चलो पकड़ना पड़ेगा ना, वास्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सीथ। पूरा एग्जैक्टली, आपने अगर मेरी एनाटॉमी की वीडियो सुनी होगी, 11 मिनट की थी यार, 11 मिनट शायद तुमको बचा लेता, तुम्हारे 8 मार्क्स बचा लेता अगर तुम गलत करके आओ ये तो, ठीक है? हाँ, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये होता मोनोकॉट स्टेम, कैसे हो जाता और देखते हैं। वास्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट क्लोज्ड, वास्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट क्लोज्ड। ओके, और कुछ लिखा है, फ्लोएम पेरेंकाइमा एब्सेंट, फ्लोएम पेरेंकाइमा एब्सेंट। एक लाइन भी एनसीईआरटी का बाहर क्या है, ठीक है? ये चीज समझिए। ओके, 15 बचे क्या? अरे चलो कोई नहीं, आते हैं एक और। इन रिलेशन टू द जीपीपी, ये थोड़ा दिमाग लगाते, लाइन नहीं लिखा हुआ है लेकिन दिमाग लगाते, ठीक है? जीपीपी इज ऑलवेज मोर देन, कैसे पता चल रहा है? जीपीपी माइनस आर करोगे, कुछ माइनस करोगे तभी एनपीपी आएगा, तो जीपीपी इज ऑलवेज मोर। तो ये गलती कर रहे हो, तो मैथ नहीं आता, मैं बायो को दोष नहीं दूंगा, मैथ्स में प्रॉब्लम है, ठीक है? मैथ्स में प्रॉब्लम है। ओके नाउ, चलो एक और सवाल। ये वाला पीडीएफ चाहिए क्या? मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा टेलीग्राम पे, राइट? अब यहाँ पे क्या बोलूँ मैं, आप लोग अगर मेरे यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे आप समझ सकते हो, ठीक है? चलो ओके, चलो एक और सवाल, क्योंकि मैं देखो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे गुस्से में आते हैं, बोलते हैं नीट तो हुआ नहीं मेरा, क्या करूँ, चैनल अनसब्सक्राइब, और क्या करते हैं, टेलीग्राम लीव करते हैं। अरे भाई लीव कर ले, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखना तेरे को है, सीखना तेरे को, मैं पढ़ाने आया हूँ, राइट? मेरे को मतलब नहीं है तुम सब्सक्राइब करो या अनसब्सक्राइब करो, क्योंकि भैया अगर तुम यहाँ पे, अगर तुम एक मेडिकल कॉलेज के लिए तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, क्या गारंटी तुम जिंदगी में कोई बड़े काम के लिए मेहनत करोगे यार, ठीक है? वो काम चोरी हो जाती है, मैं सीधा बात बोलता हूँ। हाँ, बुरा लगे यार, बुरा लगने के लिए बोल रहा हूँ, कभी तो मजा आए, ठीक है? कभी तो आपको लगे फील, कभी फील लगे, वाटर लीली वाटर हाइसिन। तो जिन बच्चों का हो गया मेरे थ्रू, आई एम वेरी मच ग्लैड, लाइक मजा आ गया यार उनके लिए। तो यार मेरे को बहुत बच्चों का फोन आया, इन द मेजोरिटी ऑफ द एक्वाटिक प्लांट सच एज वाटर हाइसिन, वाटर लीली, द फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ द वाटर, पॉलिनेटेड बाई इंसेक्ट एंड, ओके, इंसेक्ट और विंड, एज इन द मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट। लिखा हुआ लाइन मिला, डायरेक्ट लाइन, इंसेक्ट और विंड। आइए एक और सवाल ना, 2 घंटा कैसे बीता? थोड़ा बुरा लगता भाई जाने, ओके, जाने से पहले सिर्फ सोचा था कि यहाँ डॉक्टर टैग लेके निकलना है एग्जाम। ओके ओके, क्या हो गया? ओके, समय, 3 अंक का बर्थडे और मेरा, ओके, चलिए आइए एक और, आइए कोई बात नहीं, सब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इन टू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। बहुत बच्चों का ये गलत गया है, बहुत सारे बच्चों का गलत गया है, ठीक है? ओके चलो आ जाओ ये, ओके चलो आ जाओ, ओके ओके चलो आ जाओ, डन करते हैं ये वाला, देखते हैं यहाँ पे क्या चीज है ये। चलो आ जाओ, दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड स्लज, ए स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इन टू द एरेशन टैंक एज द इनोकुलम, इनोकुलम द रिमेनिंग मेजर पार्ट, मतलब एक्टिवेटेड स्लज ही है, ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इन टू लार्ज टैंक कॉल्ड एज एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनटीए का क्वेश्चन, राइट? ओके चलो कोई नहीं। द प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग द लॉस ऑफ वाटर, कौन सा प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल है भैया? ये रूट प्रेशर था, यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर ने काट दिया, एक्चुअली ये रूट प्रेशर है, द पॉजिटिव प्रेशर कॉल्ड एज रूट प्रेशर। तो अगर कोई बच्चे वाहियात वाहियात क्वेश्चन करके गए थे फिर भी मार्क्स नहीं आया, तो उनसे एक बात बोल रहा हूँ भाई, एनसीईआरटी पे चिपक जा, एनसीईआरटी पे चिपक और उसको समझ। तो यहाँ पे देख, गटेशन लिखा हुआ, रूट प्रेशर, इफेक्ट्स ऑफ रूट प्रेशर, ठीक है? रूट प्रेशर, गटेशन एक्चुअली बोलना जा रहे हैं वो, तो रूट प्रेशर था। क्यूबॉइडल एपिथीलियम विद ब्रश बॉर्डर है, ओके, ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई एनसीईआरटी में है क्या? ओके आ जाओ देखते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम मिला, पीसीटी, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम, पीसीटी। और कुछ डाउट है इसमें? ओके, अभी और कोई कोई डाउट है यहाँ पे? आई गेस नहीं होगा डाउट, ठीक है? मैं रटवा चुका हूँ तुमको कि भैया सिंपल क्यूबॉइडल बोला जाए तो पीसीटी मारना, कॉलमनर ब्रेस्ट बॉर्डर बोला जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन मारना, ठीक है? मैं बात कर लूंगा जिसको बात करनी है, ओके, 9330643895 व्हाट्सएप करना पहले, उसके बाद मैं कॉल का देखता हूँ, ठीक है? पहले व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे। चलो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका करेक्ट स्टेटमेंट एग्जैक्ट छापा हुआ लाइन था एनसीईआरटी का, डिट्टो कॉपी, कॉपी समझते हो? कॉपी नहीं समझते हो? कॉपी, मैं कॉपी दिखाता हूँ,
ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, है क्या लाइन, स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, एग्जैक्ट छापा, जिसको बोलते हैं ना छापा हुआ लाइन, दिस इज द छापा हुआ लाइन, ठीक है। इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया, आप बोले कि ये भी बता दो, ठीक है ये भी बता दे रहा हूँ, आ जाओ, इंसुलिन रिजल्टिंग इन हाइपोग्लाइसीमिया, उल्टा कर दिया, ओके। अब आता है ग्लूकागॉन रिजल्ट इन हाइपरग्लाइसीमिया, देखो समझो, आप में से बहुत बच्चे नहीं पढ़ते हैं, मैं उनको बता रहा हूँ पढ़ाई लिखो, पढ़ाई लिखाई करो, दोस्त बनाने की उम्र बाद में आ जाएगी, पढ़ाई लिखाई किया करें हम, ठीक है। अब आपके ऊपर है यार, देखो तुम्हारे पेरेंट्स को तुम नहीं समझ पा रहे हो, उनके ऊपर क्या बीत रहे, तुम अपने ऊपर समझ रहे हो, मेरे को मेंटल प्रेशर बहुत है, तुम्हारे पेरेंट तुमको देख के और दुखी हो रहे हैं यार, ठीक है, उनके लिए फाइट बैक करो यार, फाइट बैक करो, ठीक है। अब ये देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस, बाकी सारे अगर मैं इनहिबिटरी दिखा दूँ तो काम चलेगा, बाकी सारे अगर मैं इनहिबिटरी दिखा दूँ तो काम चलेगा, ठीक है, ओके। अगर अगर हेलो जी, अगर मैं बाकी सारे इनहिबिटरी दिखा दूँ तो काम चलेगा, हाँ चलेगा, सौरभ भैया दिखा दो, ठीक है। देर आर सर्टेन सब्सटेंस ओके विच फेल, ओके देर आर सर्टेन सीड जो फेल हो जाते हैं जर्मिनेशन के कारण, किसके कारण हो जाते हैं, केमिकल इनहिबिटर सच एज एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरास्कॉर्बिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरास्कॉर्बिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, जिसके कारण जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो जर्मिनेट किसके कारण होगा, जिब्रेलिन, ये सबको पता है जिब्रेलिन जर्मिनेशन करवाता है, तो बाकी तीनों जर्मिनेशन के लिए इनहिबिटरी सब्सटेंस है, नॉट नहीं बाकी सारे, ठीक है। एनसीईआरटी का लाइन, अब अगर आप एनसीईआरटी हाईलाइट करके नहीं पढ़ रहे हो, जिस बच्चे जो बच्चा मेरा एनसीईआर किया होगा उसको एनसीईआरटी का लाइन का महत्व पता चला होगा, वो सारे चैप्टर वैसे कवर किया होगा। चलो, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में एनसीईआरटी का लाइन 7 मिलियन, ओके, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी 7 मिलियन, चलिए 6 बजे भी मेरी क्लास है उसके लिए हमको ज़्यादा। अब आप बोले कि सर ये एनसीईआरटी का लाइन है, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे वल्चर होता है, ये सबको पता था, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे ये वल्चर है ना, ये तो वल्चर ही दिख रहा है, ओके। और क्या हो गया, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ग्रास होता है, ठीक है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ये तो ईजी था, ठीक है ये ईजी था, ओके। सर ट्रूमैन पढ़ो, फॉल्स मैन पढ़ो, कोई काम नहीं आएगा, एनसीईआरटी बायोलॉजी काम आएगी, ठीक है, ओके। चलिए एक और यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन, एनसीईआरटी की लाइन थी क्या ये, यस ये एनसीईआरटी की लाइन थी, फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज एनसीईआरटी की लाइन। कोई बच्चा मेरे को बोलेगा नहीं सौरभ भैया यू आर लाइंग टू अस, ओके, देयरफॉर इन द फर्स्ट फेज ऑफ, ओके फर्स्ट फेज, ओके इट सेल्फ अमाइनो एसिड आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी लिंक टू, ओके लिंक टू देयर, ओके कोगनेट टीआरएनए, प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमाइनो असाइलेशन, टू बी मोर स्पेसिफिक, अमाइनो असाइलेशन ऑफ आर टीआरएनए टू बी मोर स्पेसिफिक, राइट, टू बी मोर स्पेसिफिक, याद रहेगा टू बी मोर स्पेसिफिक। और किसी को डाउट है क्या फर्स्ट फेज में, और किसी को डाउट है क्या, ठीक है, फर्स्ट फेज एनसीईआरटी का लाइन, देखो मैं और कुछ नहीं बात कर रहा, मैं एनसीईआरटी का लाइन बात कर रहा हूँ, ठीक है, टू बी मोर स्पेसिफिक, राइट, ओके। भैया बायो 346, ओके कुंडू जी बहुत अच्छा लेके आए यार, एमसीके हो जाएगा। स्ट्रॉबिलस और कोन्स और फाउंडेन, स्ट्रॉबिलस कोन कहाँ मिलेगा, स्ट्रॉबिलस सेलाजिनेला नहीं तो इक्विसिटम लिखा हुआ, देखो स्ट्रॉबिलस या कोन, एनसीईआरटी बायोलॉजी टेरिडोफाइट। भैया नीट 21 मई में ही होगा ऑब्वियसली, अभी तक तो मई में ही लग रहा है, तो उसके लिए तैयारी करें हम लोग मिलके। नाउ एनसीईआरटी दिखाएं, 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट, 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट साइक्लोस्टोम, तो साइक्लोस्टोम मारते हैं। हेट्रोसर्कल कॉडल फिन, नहीं समझ आया, ये पेल्विक फिन मेल में जो क्लैस्पर बियर करते हैं उनके लिए लाइन था ये, ठीक है। हेट्रोकॉडल, ये हेट्रोसर्कल कॉडल फिन ये मेल के लिए था, शार्क में, शार्क के लिए, ठीक है। एयर ब्लैडर तुमको ऑस्टियोसाइट में मिलता है, ये लाइन लिखा हुआ है, एयर ब्लैडर कहाँ गया, एयर ब्लैडर वाला यही तो कहाँ गया, एयर ब्लैडर लाया नहीं क्या इन्होंने, ये ला नहीं पाया आई गेस, एयर ब्लैडर कौन रही है, ऑस्टियोसाइट का है क्या, नहीं ला पाई है, कोई नहीं, ठीक है, नहीं ला पाए तो मैं दिखा देगा, डोंट वरी। चलो एयर ब्लैडर ऑस्टियोसाइट था, कॉन्ड्रोसाइट सबको पता है, कॉन्ड्रोसाइट में तुम्हारा ट्राइगोन लिखा गया था, पॉइजनस स्टिंग, देखो तो मैं वही बोल रहा हूँ, पढ़ने लिखने के लिए तैयारी हो जाइए। सम डिवाइडिंग सेल, एल एन, आकाश, एन टी, बहुत जगह गलत आंसर अलग अलग दिया है, तो ये वाला आंसर गलत है, यहाँ ये आंसर नहीं होगा, ये आकाश के आंसर की में था, ये आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आओ चेक करते हैं, आओ देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया, ये जीवन के बारे में लिखा था, ये स्क्रीनशॉट हम सही नहीं ला पाए यहाँ पे, ठीक है एक बार चेक करते हैं यहाँ पे आया है क्या ये, आ जाओ चेक करते हैं, ओके ये वाला स्क्रीनशॉट नहीं आया, ये जीवन का आया नहीं स्क्रीनशॉट, मैं ट्राई करता हूँ, इसका आंसर जीवन होगा, इसका आंसर जीवन होगा, इसका स्क्रीनशॉट नहीं ला पाए, ठीक है इसका स्क्रीनशॉट नहीं ला पाए, मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, इसका आंसर जीवन होगा, जीवन से वो एग्जिट करते हैं सेल साइकिल, अगर किसी के पास है
तो मेरे को स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दीजिएगा, ठीक है? अगर किसी के पास है तो, अभी अगर भेज सके तो, वो जीवन वाला एक बार स्क्रीनशॉट दे दीजिए, तो मेरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? 2% चार्ज हमारे फोन में, तो हम फोन को करते हैं बंद, ठीक है? फोन को करते हैं हम बंद, ओके। 2% चार्ज, अगर किसी के पास स्क्रीनशॉट है वो जीवन वाला भेज दीजिए, ठीक है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है? ओके, चलिए आइए। ओके चलिए, अगर किसी के पास है तो भेज दीजिए मेरे को एक बार स्क्रीनशॉट। ओके चलो, अगर है तो एक बार जरा सा भेजिए, जीवन होगा इसका आंसर, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाला एक्सप्लेनेशन सही नहीं बैठा, मैं दिखा दूंगा एक्सप्लेनेशन। ओके, ये रेफरेंस है क्या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का? इलियम इज द हाईली कॉइल्ड पार्ट, इलियम इज द हाईली कॉइल्ड पार्ट, तो सही इलियम होता, बाकी नीचे आपको सारे मिल जाएंगे, सिरोसा आउटर मोस्ट होता, उसके बाद क्या बचा? ये वाला लाइन, बहुत बच्चे गलत किए हैं भाई, तेरे को ट्रांसफर करना है एम्ब्रायो, तू कभी भी ICSI क्या क्या लिखा हो देखते हैं, ICSI ये गिफ्ट, गिफ्ट को तो हटा दो, गिफ्ट में एम्ब्रायो नहीं ट्रांसफर करते हो, ठीक है? भेज दी, देख लो, मैं देखता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, थैंक यू सो मच, भेज दिया आपने, मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, मैं दिखा दे रहा हूँ सभी बच्चों को। तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं सीरियसली 21 के लिए, वो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना, मैं उनको बता दे रहा हूँ कैसे ज्वाइन करना है, लेकिन आपको ये लाइन दिखा दे रहा हूँ, सम सेल, यहाँ पे लिखा गया फर्दर एग्जिट द जीवन, तो एग्जिट कर रहे हैं जीवन को, तो जीवन पे वो थे, जीवन को एग्जिट कर रहे हैं, राइट? जीवन को एग्जिट कर रहे हैं, तो इसका आंसर जीवन होता, मिस नहीं करोगे ना वो वाले को। अब चलो, और ये वाला लाइन अब आप पूछ सकते हो, सौरभ भाई ये NCERT में है ये? यस ये है, ठीक है, देखते हैं। ओके चलो, पढ़ना चालू करते हैं। IVF में दो ही एग्जाम्पल दिया गया है, ZIFT और IUT, ठीक है? अब आप बोला जाएगा सर कैसे, देखो फीमेल हु कैन नॉट कंसीव के लिए आप इन विवो भी यूज कर सकते हो, मतलब जनरली फीमेल हु कैन नॉट कंसीव के लिए ZIFT और IUT यूज किया जाता है। पढ़ो लाइन को, ऑल्सो ऑल्सो बोला गया, मतलब ये वाले दोनों तुम कैन नॉट कंसीव वाले फीमेल में यूज कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं भाई, नॉलेज नॉलेज मांगता है पढ़ाई यार। अब आता है ये लाइन, ये लाइन जो ऊपर वाला था ना, ये सबके लिए कंफ्यूजिंग था कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बोथ ए और डी क्यों होगा, मैं सिखा दे रहा हूँ। सर पोलन ग्रेन एक्चुअली रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, राइट? मेल गैमेटोफाइट दूसरा जनरेशन आ गया, एन एन वाला जनरेशन आ गया एंथर से हटके, ठीक है, एंथर से। अब आप बोलोगे सर एम्ब्रायो सैक इट इज द फीमेल गैमेटोफाइट, NCERT बोलती है दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट। अगर किसी बच्चे को बोरिंग लग रहा है, प्लीज डोंट मेक तुम्हारा सेम रिजल्ट लाइक NEET 20, इम्प्रूव करिए अपने आप को, अभी से अगर आप नहीं पढ़ोगे तो सेम रिजल्ट होने वाला है, लास्ट के 15-20 दिन में वही देखोगे कि हाउ टू स्कोर 600+ इन लास्ट 10 डेज, ठीक है, या 7 दिन में, बेटर होगा अभी से सुधर जाए हम। ओके तो देखो यहाँ पे लिखा गया है मेल, देखो आज मैं दिखा दे रहा, फिर भी पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइटिक जेनरेशन, ठीक है? अब एक और दूसरा लाइन दिखाता हूँ। ओके एक और लाइन है क्या यहाँ पे, मेगास्पोर के बारे में लिखा गया था, तो एम्ब्रायो सैक बना, एम्ब्रायो सैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट, दो एग्जैक्टली नॉट NCERT, इसको आप बोल सकते हो तो नॉट एग्जैक्टली NCERT। डिसोल्यूशन ऑफ द सैनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, NCERT का लाइन है डिसोल्यूशन, ठीक है? ओके भाई 6 मंथ में कवर हो जाएगा सिलेबस, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, आप वापस बाद में प्लस ज्वाइन करने वाला तो 1 ईयर का लीजिए, और अगर आप चाहते हो मेरे गाइडेंस में रहना, सीधी बात बता रहा हूँ, जो बच्चे मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे जैसे आकांक्षा ने यूज़ किया, मैं उनको ही ज़्यादा महत्व दे पाऊंगा, मैं सबकी हेल्प करता हूँ, रात 2 बजे मेरे को सभी बच्चे कॉल करते हैं, मैं कॉल उठाता भी हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बायो में 300 ऊपर तो आँख बंद करके आया है, वो मेरे साथ क्लास करते थे, नॉक्टर्नल 124 क्लास कराया मैंने, 124। अब डिसोल्यूशन लाइन देखते हैं, डिसोल्यूशन देखो यहाँ पे लिखा हुआ डिसोल्यूशन ऑफ सैनोप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इन डिप्लोटिन, मिल गया लाइन, मिल गया ना? तो जो बच्चे सोच रहे हैं 6 मंथ का लेने का, भाई 2-4 हज़ार में कुछ नहीं जाता, 1 ईयर का लीजिए, आपको फायदा देगा, क्योंकि आप लास्ट में 3 मंथ के लिए वापस आप एक्सटेंड करोगे तो आपका लॉस होने वाला है, मैं पहले बता रहा हूँ, इट विल बी योर लॉस। न्यू ID बनाइएगा, अगर कोई बच्चा सोच रहा है, न्यूअर से सब्सक्रिप्शन रिन्यू मत करिए, या मेरे से बात करिए आप एक बार, व्हाट्सएप नंबर इज 9330643895, व्हाट्सएप, ओके। बाकी आपकी इच्छा, आप कोचिंग में ले जाके 1.5 लाख रुपया जमा करके भी आ सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है? ये वाला लाइन NCERT का है पूरा, दीज ऑल आर NCERT, ऑल आर NCERT, कैसे बोल रहे हो सौरभ भैया, वी डोंट ट्रस्ट यू सौरभ भैया, ओके प्लीज ट्रस्ट मी यार, मैं बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी करवा चुका हूँ 350 ऊपर क्रॉस, 345। एक बच्चे का फोन आया, बोलती है 335 आया भैया, मैं बाग बाग हो गया। मिडिल ईयर वाला लिखा गया, आओ देखते हैं यहाँ पे। ओके तो ओवल विंडो से अटैच होता है कॉकलिया, ओके ओवल विंडो ऑफ द कॉकलिया स्टेपिस, ओके ओवल विंडो ऑफ द अटैच टू ओवल विंडो, देखो एग्जैक्टली लाइन वही है, अटैच टू द ओवल विंडो ऑफ कॉकलिया, एग्जैक्ट लाइन। यूस्टेचियन ट्यूब मिडिल ईयर कैविटी विद द फेरिंग्स, देखना, ओके मिडिल ईयर एंड फेरिंग्स हो गया,
और क्या, कॉकलिया, कॉकलिया का लाइन लिखा है सौरभ भैया, द कॉइल्ड पोर्शन ऑफ द लैबरिंथ इज कॉल्ड कॉकलिया, तो ओके क्या आ गया, कॉइल्ड पार्ट ऑफ द लैबरिंथ मिल गया लाइन, ओके। हाँ हमेशा एलिमिनेशन यूज करोगे। अब आप देखो, ऑर्गन ऑफ कॉटी लोकेटेड ऑन द बेजिलर मेम्ब्रेन, सौरभ भैया ईयर बहुत डिटेल में पढ़ाए थे, ठीक है ओके। चलो आओ एक और, ओवेरीज हाफ इंफीरियर, हाफ इंफीरियर किस में मिलता है, प्लम, पीच प्लम रोज, हाफ इंफीरियर इन पीच प्लम रोज, पेरिगाइनस, आइडेंटिफाई द बेसिक अमाइनो एसिड। ये बच्चा, जो बच्चा गलत करके आया ना, जो बच्चा गलत करके आया, वो मेरी क्लास क्यों नहीं किया यार, उसका 8 मार्क्स, अगर गलत किया तो उसका 10 मार्क्स ऐसे पानी में डूब गया, क्योंकि केमिस्ट्री में भी सेम क्वेश्चन था, ब्ला 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 ब्ला, कितने बार रटाया था तुमको, ब्ला BLAH, ठीक है, कभी गलती नहीं होता, ब्ला 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 अगर तुम बोलना सीख जाते तो, ओके ठीक है। एल फॉर लाइसिन, कैसे भूल गया यार, ठीक है चल कोई नहीं, देख एनसीईआरटी में लिखा गया बेसिक इज लाइसिन, सारा एनसीईआरटी दिखा दूंगा तेरे को। अब आता है इओसिनोफिल का, तेरे को आइडिया नहीं था, तेरे को लिम्फोसाइट पता था इम्यून रेस्पॉन्स, आ दिखाता हूँ, लिम्फोसाइट तेरे को आता था इम्यून रेस्पॉन्स, इम्यून रेस्पॉन्स मिला। अब देख एक ऑप्शन से होगा, एक ऑप्शन लिम्फोसाइट, ओके डी का वन, वन ही होगा ना, डी का वन, एक ऑप्शन से हो गया, बस कहानी खत्म। इनिबिटर ऑफ कैटेलिटिक एक्टिविटी पेप्टाइड, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जिस बच्चे को आइडिया है ना, राइसिन, राइसिन को पकड़ ले, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का ही चार्ट है लिख ले, सेकेंडरी मेटाबोलाइट राइसिन देख के हो जाएगा, एक देखेगा हो जाएगा, डी का वन, डी का वन देखा हो गया, बस कहानी खत्म। अगर ये भी गलती कर रहे हो तो मुश्किल है यार, फिर मुश्किल है, आप सीरियस हो जाओ, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1, बहुत सारे बच्चे गलत करके आए हैं, बिकॉज एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। G1 फेज में होता क्या, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, कंटिन्यूअसली ग्रोज बट डज नॉट रेप्लीकेटेड डीएनए, एग्जैक्ट लाइन वही है, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लीकेटेड डीएनए, आंसर नंबर 2 सही था। मिला या नहीं मिला, मिला खुशी मनाओ। अब नीचे वाला, गन्ने लंबे हो रहे हैं, गन्ने लंबे हो रहे हैं, गन्ने लंबे हो रहे हैं, ठीक है, इलोंगेशन, आइए गन्ने लंबे हो गए यहाँ पे, इलोंगेशन, जिब्रेलिन, गन्ने लंबे हो गए, राइट, 20 टन वाला वो सब गेम खेलते थे हम लोग, याद आ रहा है, गन्ने लंबे हो रहे हैं, राइट। चलो कोई नहीं, एक और सवाल, अगर मैं आपको बोलूँ ये क्वेश्चन 60% बच्चों का गलत गया, बट वो एनसीईआरटी पढ़े नहीं है, अगर आप मेरी क्लास में आ जाते, ब्लड ग्रुपिंग भी पढ़ लेते ना, तो भी गलत नहीं होता, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूँ, ठीक है, चल देखते हैं यहाँ पे, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज कंट्रोल्ड बाई जीन आई, ठीक है, द जीन आई हैज 3 अलील, ओके, आई ए आई बी प्रोड्यूस ए स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सुगर, वाइल अलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी सुगर, अलील आई कहाँ लिखा गया है, ठीक है, द जीन आई हैज 3 अलील मिल गया, और क्या लिखा गया यहाँ पे, अलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी सुगर, ए पर्सन विल हैव ओनली 3 अलील, ओके क्या लिखा है, ओनली 2 ऑफ द 3 अलील, अगर मैं ये लाइन दिखा दूँ तो मानोगे मुझे, मुझे मानोगे, नहीं मानोगे कोई बात नहीं, फिर भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लाइन आई है, पकड़िए, बिकॉज ह्यूमन आर डिप्लॉयड, तो आइए पकड़ते लाइन, ईच पर्सन हैज एनी 2 ऑफ द 3 अलील, लाइन मिल गया, लाइन मिल गया, ठीक है ओके। अरे भैया ट्रू मैन फॉल्स मैन को गोली मारो, एनसीईआरटी बायोलॉजी नहीं पढ़े हो तो कुछ नहीं पढ़ा किसी ने, जिसने ये गलत किया, सही हो गया, कैसे भी सही हो गया चलता है, ठीक है, तो ये लाइन मिल गया ओके। तो यहाँ सेम टाइप तो बनता नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ सुगर। अब देखो आप कैसे पता चल रहा है, अगर वो प्रेजेंट टुगेदर, देखो ध्यान से, बट वेन आई ए आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप ऑफ सुगर, तो ये डिफरेंट हो गए, समझ आया नहीं आया, अभी भी नहीं आया तो अलग बात है, ये आपके लिए है कि आपके लिए अलग बात है, मेरे लिए सेम है, ठीक है चलो कोई नहीं, ओके एक और सवाल करते हैं, ओके इसके नीचे एक और सवाल था ना, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ह्यूमिनिटी, इम्यूनिटी, एनसीईआरटी बायोलॉजी, तो अगर अभी भी आपको लगता है कि आपने सही पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ 21 के लिए तैयारी करिए, अभी रोइए मत यहाँ बैठ के कि भाई मेरा बहुत गंदा हो गया, देखो गुस्सा को आप बोलते हैं ना, बदलिए गुस्से को, बदलिए किसी चीज़ में यूज़ करिए, उसको हीट जैसे लॉस मत करिए, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रेस्पॉन्स, क्या लाइन था यार, एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक क्विक एंड गिव फुल रेस्पॉन्स, गलत है यार, क्विक तो है नहीं, स्लो है ना, ओके चलो कोई नहीं, एक और सवाल उठाते हैं, इंजाइम एंटरोकाइनेज कन्वर्ट, ओके कन्वर्जन, कन्वर्जन एंटरोकाइनेज क्या काम करता है, आ जाओ पकड़े लाइन यार, ठीक है लाइन पकड़ो यार, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम एंटरोकाइनेज, एंटरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देता है, एक्टिव ट्रिप्सिन, मिला ठीक है ओके, मिला या नहीं मिला भाई, देखो आज आपको लग रहा होगा, जो बच्चे 2020 से ज्वाइन किए थे मेरे को,
मैं 3 क्लास लगाता था तो 3 में आते थे, मैं 2 लगाता था तो 2 में आते थे। उनके लिए आज जैसे मित्तल जी ने कमेंट किया, आज उनके लिए मैं वो डिसीजन सही साबित करके दिखा दिया कि यार आपने क्लास ली तो आपके जो ट्रिकी क्वेश्चन जो गलत हो जाते मैंने वो बचा दिया आपके। ठीक है चलो कोई नहीं यार, मैं अपने आप को यहाँ फ्लॉन्ट करने नहीं बैठा हूँ। स्टिल GAA TTC रटा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, फिर भी देख लो इसका सीक्वेंस। GAA TTC 5 प्राइम 3 प्राइम चेंज होता है, ये इको आर1 का ही है। ठीक है आओ एक और सवाल, BT कॉटन या एड्स के लिए दिखाता हूँ। एड्स के लिए PCR लिखा हुआ लाइन है NCERT में। ओके PCR इज नाउ कॉमनली रूटीनली यूज टू डिटेक्ट HIV, मिला डिटेक्शन ऑफ HIV इन्फेक्शन, मिल गया तो सही हो गया आंसर नंबर 4। देखो डी का 3 एक ही जगह दिया है। ठीक है फ्लोरिडियन स्टार्च NCERT बायोलॉजी, NCERT बायो फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है मैं बोला ना 21 के लिए भी अगर आप बोल रहे हैं ना, मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा और ऐसा रिवीजन करवाता हूँ, आई गेस बिलीव है तो आपको पता है। ठीक है ओके मैं और ज़्यादा प्रूफ नहीं करना चाहता। फ्लोरिडियन स्टार्च आइए देखते हैं यहाँ पे, फूड स्टोर्स फ्लोरिडियन स्टार्च वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन, ये मैं एक बार NCR कराया था उसमें कवर्ड है ये। ठीक है चलो कोई नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, जो गलत है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड लिखा है ये डाइसल्फाइड होता। NCERT का लाइन, बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड चेन ए चेन बी प्रोड्यूस सेपरेटली एक्सट्रैक्टेड कंबाइंड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन नहीं होता। और बाकी ये जो तीनों लाइन है NCERT के इसी पेज से लिए गए, इसी वाले से। ठीक है मैं आपको इसका PDF मिल जाएगा डोंट वरी। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन इवोल्यूशन अगर सुन लिया होता मेरे बंधु, 11 मिनट सुन लिया होता, 11 मिनट तो इवोल्यूशन के 3-4 क्वेश्चन तुम्हारे सही जाते बंधु, 11 मिनट, 11 मिनट कहीं 1 साल भारी ना पड़ जाए याद रखना। ठीक है 11 मिनट, 11 मिनट एग्जाम्पल यार रट्टे हैं भैया, 11 मिनट जिसका गलती है वो उनके लिए बोल रहे हैं। ओके हैंस एनालॉगस ऑर्गन स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन मिला, मिला या नहीं मिला, मिला। ओके चलिए एक और, ओके अब ये आप बोलोगे सौरभ भैया ये NCERT में लिखा हुआ है ये ड्रग रेजिस्टेंट यूकेरियोट, चलो पोल करते हैं, अगर लिखा हुआ है तो यस करिएगा मतलब ट्रू करिएगा, अगर NCERT में ड्रग रेजिस्टेंट यूकेरियोट लिखा है तो। ओके 100% बच्चे बोल रहे हैं लिखा है, 100% बच्चे बोले लिखा है, बाकी बच्चे बोलते 0%, ओके 9% बच्चे बोल रहे हैं नहीं लिखा, तो चलो NCERT ले चले हम तुमको NCERT के पार ले चले। ओके भैया दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब विच वी एम्प्लॉय एंटीबायोटिक और ड्रग अगेंस्ट यूकेरियोट, मिला ड्रग अगेंस्ट यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ड्रग अगेंस्ट ठीक है तो उसके कारण रेजिस्टेंसी शो होने लगती है, रेजिस्टेंसी तो इसको क्या बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। NCERT का लाइन ले ले स्क्रीनशॉट काम आएगा तेरे, मैं PDF दे दूंगा पूरा डोंट वरी ब्रांडिंग के साथ, तो वही चीज है आप लोग देखिए करिए अच्छे से। अब आता है एक और सवाल जो बहुत जगह YouTube पे आपको गलत बताया गया था, जो यूट्यूबर्स गलत बताए थे बट मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है आंसर नंबर 2, हायर H+ कंसंट्रेशन इन द एल्वियोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन, नो डियर दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, वाई। ओके आ जाओ हायर H+ लिखा गया यहाँ पे तो क्या हो जाता, ओके हायर H+ क्या करता है सर जी आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया, हायर H+ कंसंट्रेशन ओके फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है क्या क्या लिखा गया, टिश्यू में है ना हायर, हायर तो टिश्यू में है, हायर टिश्यू में है समझिए, ओके समझिए बात को, यही तो छोटा छोटा लाइन है जो आप गलत कर रहे हो, यही तो रेफरेंस, पूरा रेफरेंस का मजा लीजिए। ठीक है हाई PCO2 भी तो बोला है, आइए आइए चेक करते हैं, आप जो बच्चे का डाउट है यहाँ लो PCO2 इन द एल्वियोलाई, लो PCO2 इन द एल्वियोलाई, ओके आइए चेक करते हैं आपको क्या निकालना था, इनकरेक्ट ही तो निकालना था तो रॉन्ग हो गया ना, ये रॉन्ग हो गया ना समझो, रॉन्ग बोला है ना, रॉन्ग रॉन्ग ही तो बोला आपसे, रॉन्ग निकला अरे तो उसके ऊपर वाला ले ले लाइन, उसके ऊपर वाला लाइन ले 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 यही तो उठा ले। ठीक है यहाँ पे एच ये क्या हो गया ले ले आज लाइन पकड़ ले यहाँ पे, इसके नीचे ऊपर दिया है लाइन तो सेम ही है। ठीक है ओके लेसर H+ कंसंट्रेशन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन ले मिल गया, लाइन सेम ही है ना, लाइन तो यहीं से आया है कहीं बाहर से नहीं आया है। ठीक है लाइन यहीं से आया है और तुम लोगों ने गलत किया, तो जिसने गलत किया ओनली pH, ओके pH से O2 इफेक्ट होता है, ओके ओके चलिए आइए देख लीजिए सीखिए, तो जिसको नहीं पता था। और एक और लाइन है यहाँ पे, दिस क्लियरली इंडिकेट दैट ऑक्सीजन गेट बाउंड, ओके तो जिसको नहीं आता था उनके लिए लाइन भी दे दिया मैंने, मैंने लाइन भी दे दिया तो अब कंफ्यूजिंग नहीं है आपके लिए। ठीक है
एक और आते हैं, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम। भाई बहुत टाइम हो गया, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम इंक्रीजेज रैपिडली इन द लॉग फेज। लॉग फेज में बढ़ जाता है तो लॉग फेज होता। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोब का एग्जिबिट, ओके ग्लोब में सबसे ज्यादा किसके पास है, ग्लोब आइए ग्लोबल, ओके ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, ठीक है अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी। और कुछ जानना है, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर, सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस कंट्रोल करता है, ये सीक्वेंस लाइन है क्या कहीं, यस आइए देखते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पढ़िए, यहाँ पे आपको सीक्वेंस वाला मिल जाएगा। इन द क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस कॉल्ड ओरी रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग, ओके देयरफॉर मल्टीप्लीकेशन के लिए ये जरूरी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिला लाइन। चलो कोई नहीं, अब आप में से बहुत बच्चे हैं जिनको पसंद नहीं आई होगी क्लास, क्योंकि दे आर फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेशन को हटाइए और पढ़ाई पे आइए, ठीक है। लाइफ में दो ही ऑप्शन है, या तो पढ़ाई करिए या नहीं करिए, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। फ्रस्ट्रेटेड होके दिन में, डिप्रेस्ड होके यार क्या करूँ क्या करूँ, मोटिवेशन चाहिए शाम 6 बजे आइए। चलिए कोई नहीं, मैं 1 घंटे की क्लास को 1 घंटा 11 मिनट हो गया, बट आई एम स्टिल ऑन द क्लास राइट, ओके। प्लेसेंटा HCG एक ऑप्शन देख के गेम खेल लो, ठीक है प्लेसेंटा HCG लिखा हुआ है यहाँ, प्लेसेंटा HCG राइट, हो गया बस कहानी, एक ऑप्शन देख के हो जाएगा, एक और टू देखा हो गया डन आंसर। ग्रेविडेक्स होता है, ग्रेविडेक्स बोलते हैं। तो गाइज एक बात बता रहा हूँ, अगर आपको पसंद आई क्लास तो बढ़िया बात है, नहीं आई तो पढ़ने के लिए आ जाइए यार, आपको पढ़ना पड़ेगा, यू हैव टू स्टडी एंड आई विल पुश यू टू स्टडी, ठीक है। अभी आपके डाउट्स देख लेंगे मैं, चलिए अभी